हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास की फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? वास्तव में ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स चार्जेज एट ए रेस्ट। ये फिजिक्स की ब्रांच है जो कि चार्जेज एट ए रेस्ट को डील करती है। इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि जैसे हम अपने हाथों को रब करते हैं तो उसके बीच में हीट डेवलप हो जाती है। वो हीट क्यों डेवलप होती है? क्योंकि उसके बीच में चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये फ्रिक्शन से डेवलप हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसमें। और चार्ज को हम जो रेस्ट में डील करते हैं, इसी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। स्टैटिक मीन्स रेस्ट। अब चार्ज क्या होता है? इट इज ए करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फोर्स बिटवीन देम। चार्ज जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल की, जो कि फोर्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एलिमेंट्री पार्टिकल हो गए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन का करेक्टर क्या है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का करेक्टर क्या है? उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यानी उन्होंने उसके करेक्टर के बारे में बता दिया। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड ईच अदर देन ऑब्जेक्ट पजसेज इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि आपको अभी बताया था कि दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डेवलप हो जाता है? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। यदि ए बॉडी अक्वायर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब कहलाएगी? जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी। और यदि बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो तो उसे हम कब कहेंगे? जब उस बॉडी ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हो। क्लियर? नेक्स्ट वन है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? तो ये आपने कुछ 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है कि लाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या होते हैं? जो सिमिलर चार्ज जिसे कहते हैं एक जैसे हों, ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को हमेशा वो रिपेल करेंगे। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गए, दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे यानी उसे रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज हो गए दोनों, ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसमें यही हम कहें कि अनलाइक चार्जेज या अपोजिट चार्जेस से ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये बता रखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो किस किस बॉडी के ऊपर होते हैं, कैसे होते हैं। यदि हम ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब करवाएं तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कैट स्किन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और एबोनाइट रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। वुलन कोट को और अंबर या जो रबर है उनको हम रब करवाएं तो वुलन कोट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और अंबर या रबर के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ऐसे ही हम ड्राई हेयर, बालों में कंघी करते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है आपको, यानी ड्राई हेयर पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। वुलन क्लॉथ को प्लास्टिक या रबर के साथ करते हैं तो प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज किस वजह से? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वुलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक
थर्ड जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी इसमें क्या कहता है कि टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी के ऊपर वो किसके इक्वल होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी एक बॉडी पर जैसे हमने मान लिया कि पूरी बॉडी के ऊपर डिफरेंट पार्ट हैं, उनके ऊपर Q1, Q2 एंड सो ऑन जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम ये कहें कि जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा सबका अलजेब्रिक सम अगर हम कर दें तो वो टोटल चार्ज के बराबर होगा, तो इसे हम कहेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय, बट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड कैन ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। यानी चार्ज को हम न क्रिएट कर सकते हैं न ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल चार्ज जो होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, और इसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के ऊपर अगर लेके चले हम तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्लस में पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, दोनों को हम कंबाइन करवाएंगे तो फोटोन के ऊपर जीरो चार्ज। यानी फोटोन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एटम के केस में अगर हम लेके चलें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल, यानी पूरा एटम जो है किस किस से मिलकर बनता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक एटम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज प्रेजेंट इन ए सिस्टम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कहता है कि टोटल चार्ज जो होगा किसी भी सिस्टम के अंदर वो किसके इक्वल होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, या यू कहें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के इक्वल। क्यू यहां पर क्या है, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, एन यहां पर है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ई यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि किसके इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, जब तक ये लॉकडाउन चलता है तब तक आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, अच्छे से अपने नोट्स साफ सुथरे जो है वो बनाएं, जो भी आपका कोई डाउट हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।